सो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टीच में। आशा करते हैं कि आज का पेपर सामाजिक विज्ञान वाला में आप गर्दा उड़ा के आ गए हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन हम आप सभी को बताए थे, सभी के सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो से देखने को मिला है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 16 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में जो सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसमें 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में रखना था। तो आइए बारी बारी से तमाम क्वेश्चनों का सलूशन कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि हुगली औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है, तो ये कोलकाता रिसरा में है। क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर कहता है कि भारत की सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो हम आप सभी को बताए थे कि चेन्नई में स्थापित किया गया था। उसके बाद में पूछा गया है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो आप सभी को बता दें बर्मिंघम जो है ये जमशेदपुर कहा जाता है, और जमशेद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। उसके बाद में है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, तो देखिए जीवों के अवशेष से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में पूछा गया था कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी, तो दोस्तों बात है सन 1973 की, जब बाघ परियोजना शुरू की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो दोस्तों काजीरंगा उत्तराखंड में होगा, यहाँ पे असम मारा गया है। उसके बाद में है वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट को कितने रद्द किया था, तो दोस्तों ये रद्द किया था लॉर्ड लिंटन ने। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, तो ये कहलाया था मेडनेसिक। उसके बाद में है कि बाओ दाई कौन था, तो दोस्तों ये अन्नाम द्वीप का एक शासक था और दक्षिण वियतनाम का रहने वाला था। उसके बाद में है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1975 में हुआ था। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 13 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया था, तो काउंट काबूर मेजनी और विक्टर इमैनुअल, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था, तो दोस्तों ये फ्रांस देश का दार्शनिक था। उसके बाद में है कि जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो हम आप सभी को बता दें कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में कहता है आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है, दोस्तों आंग सान सूकी ये श्रीलंका के रहने वाले थे। उसके बाद में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 1885 ईस्वी में हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में है कि बोलोविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो उस पत्र का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, तो याद रखिएगा ये चीन में की गई थी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 22 का आंसर देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो वियना सम्मेलन ये होगा नहीं, रियो डी जेनेरियो क्वेटो सम्मेलन नहीं होगा, ये होगा लॉसनेल सम्मेलन। उसके बाद में दिया गया है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था, तो हम आप सभी को बताए थे कि FD रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था, तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। उसके बाद में अगला सवाल ये पूछा गया था कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों ये हुआ था सन 1919 ईस्वी में। अगला सवाल ये पूछा गया है कि मैगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होगा कि उड़ीसा है। उसके बाद में अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो देखिए लिग्नाइट, बिटुमिनस और हेमाटाइट ये सभी का सभी है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो हम आप सभी को बताए थे कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये सतलज नदी पे बनाया गया है। अगला सवाल इनमें से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ये सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर है। उसके बाद में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के किस प्रकार के ऊर्जा संयंत्र है, तो ये है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा संयंत्र।
उसके बाद में कराया प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो हम आप सभी को बताए थे पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया था, तो ये राउरकेला में बनाया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 33 कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो ये बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला सवाल ये किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो हम आप सभी को बता दिए थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं, तो ये साइमन कमीशन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा कि यहाँ पे चेम्स फोर्ड योजना, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंकुरवाद मंदिर का निर्माण आप सभी को बताए थे कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, तो ये लेनिन ने लिखा था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला सवाल है समाजवादियों का बाइबिल हम आप सभी को बताए थे कि दास कैपिटल को कहा जाता है। अगला सवाल है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो हम आप सभी को बताए थे दोस्तों कि बिस्मार्क ने किया था। एक बार जम के वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला संस्कृत हिंदी इंग्लिश का वीडियो आप सभी से ना छूटे। अगला सवाल कहता है कि टाका किस देश की मुद्रा है, तो बताए थे कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी मुद्रा टाका है। उसके बाद में कि बिहार में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों 1975 में। उसके बाद में है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, तो दोस्तों ये करता है जिला स्तर पे। उसके बाद में पूछा गया था कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, तो दीर्घकालीन ऋण। उसके बाद में है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में पूछा गया है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है, तो ये आपका निजीकरण कहलाता है। अगला सवाल कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को मालूम होगा कि जिनेवा में है। उसके बाद में कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज्य में कितने आयोग बनाए गए थे, तो यहाँ पे 35 बनाए गए थे। अगला सवाल क्वेश्चन 49 से पूछा गया था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसका कथन था, तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का था। उसके बाद में है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला सवाल ये पूछा गया था कि कृषि का विकास करना ही पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये कौन सी योजना थी, ये 5वीं रिपोर्ट हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो UNDP के द्वारा किया गया था। अगला सवाल 53 में कहता है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी, तो राइट आंसर यहाँ पर रैगनर नक्श हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी को बताए थे कि गोवा है। उसके बाद में है कि वर्ष भर यहाँ पे कह रहा है कि किस देश की अर्जित आय की कुल मात्रा कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का कब बना था, तो ये 1952 में बना था। अगला सवाल आयुर्वेद की जना कौन सा है, तो यहाँ पर महर्षि चरक जी हैं। उसके बाद में है टेक्सोल का उपयोग आप सभी को बताए थे कि हिमाचल प्रदेश के चीर नामक पौधा से निकाला जाता है रसायन, जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद में अगला सवाल में पूछा गया था, यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया था कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा नहीं बल्कि कोयला हो जाएगा, सॉरी सौर ऊर्जा ही होगा क्योंकि ये सब अनवीकरणीय है। अगला सवाल 61 में पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है, टिहरी बांध नहीं होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये भागलपुर में है। अगला सवाल ये पूछा गया था कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा होता है, तो दोस्तों ये पी तरंग होता है। उसके बाद में है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत का प्राथमिक क्षेत्रीय पार्टी कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव है, तो आप सभी को मालूम हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी का है, यानी LJP का है। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। अगला सवाल पूछा गया था कि किसने भारतीय किसान यूनियन का नेता कहते हैं, तो महेंद्र सिंह टिकैत को कहा जाता है। अगला सवाल जीरा परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी, बताए थे। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ये दोस्तों मुखिया होता है। अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति करता है ना। उसके बाद में कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखिए महामारी तो है, बाढ़ भी है, भूकंप सुनामी ये सभी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, पता ना ये क्वेश्चन आला कि ऐसा क्यों दिया गया था, क्योंकि महामारी भी है, बाढ़ भूकंप सुनामी भी है। उसके बाद में दिया गया है कि 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था, तो भूकंप का। उसके बाद में पूछा गया है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है, तो ये Zone 2 हो जाएगा। उसके बाद महासागर के तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों तो सुनामी कहते हैं।
अगला सवाल पूछा गया था कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा। उसके बाद में भारत का संविधान का गठन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 1946। अगला सवाल पूछा गया था कि एक नुरुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो ये घाना के थे। अगला सवाल 80 में राजनीतिक दलों की मान्यता चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक से लेकर सोशल साइंस का 80 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का 100% आंसर की बता दिए हैं, तो इसीलिए एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी एग्जाम से पहले वायरल क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके, और आप भी जाकर सोशल साइंस, मैथ और साइंस की तरह एग्जाम पेपर में संस्कृत और हिंदी, नॉन हिंदी और उर्दू में गड़दड़ बढ़ सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए भी यही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।